सुप्रभातम। आज का हमारा प्रकरण है स्थल जल प्राणी। स्थल जल प्राणी का अर्थ है धरती पर जमीन पर निवास करने वाले जीव जंतु। जमीन पर रहने वाले जीव जंतु स्थलचर प्राणी कहलाते हैं। स्थलचर प्राणी केवल धरती पर ही रहते हैं, वो तैर जरूर सकते हैं लेकिन ज्यादा समय तक पानी में नहीं रह सकते और उड़ नहीं सकते। इनकी पहचान होती है, ये जमीन पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जीवन अपना जमीन पर खाना रहना सोना सब काम जमीन पर ही करते हैं। और जैसे उदाहरण है घोड़ा। आपने घोड़ा देखा है ना, घोड़े को जानते हो आप। घोड़ा घुड़सवारी के काम आता है और राजा महाराजाओं की सवारी के भी काम आता है। इसके बाद ऊंट। आपने ऊंट को देखा है क्या अभी अभी? देखा है ना आपने ऊंट कैसा होता है। इसकी टांगे बहुत लंबी लंबी होती है, गद्देदार पांव होते हैं, ये रेत पर आसानी से चल सकते हैं, इनके पांव रेत में धंसते नहीं है। इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और ये कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। आपने हाथी जानते हो आप, हाथी देखा है आपने। हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है, हाथी को पालने वाले को महावत कहा जाता है। इसकी सूंड होती है लंबी और इसके दो बाहर दांत होते हैं जो सिर्फ दिखाने के होते हैं, खाने के दांत इनके अलग होते हैं और ये राजा महाराजाओं की सवारी के काम आता है। हाथी के बाद कुत्ता। कुत्ते को तो सबने देखा है ना, कुत्ता गलियों में रहता है, घरों में भी रहता है, लोग इसे पालते हैं, ये घर की रखवाली करता है। कुत्ते को लोग घरों में पालते हैं, यह अपने मालिक के लिए कुछ भी कर सकता है, यह स्वामी भक्त होता है। कुत्ता
इसकी नींद और सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। जरा सी आवाज होने पर ये उठ जाता है। अब है गाय। गाय को हम माता कहते हैं। क्या कहते हैं? माता। गाय हमारी माता है। गाय के दूध से घी, दही, मक्खन आदि बनाए जाते हैं और काफी पकवान भी बनाए जाते हैं। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। हम इनको भगवान के रूप में मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं। गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा की जाती है। अब है बकरी। बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। गरीब लोग जो गाय, भैंस आदि नहीं खरीद सकते हैं, वे बकरी पालते हैं और इसका दूध पीते हैं। इसका दूध बच्चों के लिए बहुत ताकतवर होता है। अभी हमने किसकी किसके बारे में जानकारी प्राप्त की? पहला नंबर घोड़ा, दूसरा ऊंट, तीसरा नंबर हाथी, चौथा कुत्ता, पांचवे नंबर पे गाय। छठा बकरी, सातवां भैंस। अब हम भैंस के बारे में जानेंगे। ये है भैंस। आपने देखा है भैंस कैसी होती है? काले रंग की होती है ना, काली रंग की भैंस होती है। ये देखो भैंस हमारे दूध देने के काम आती है और भैंस के दूध से अनेक तरह के पकवान बनाए जाते हैं, मिठाइयां तैयार की जाती है, घी निकलता है, मक्खन निकलता है। अब आठवें नंबर पर बिल्ली। बिल्ली को तो सबने देखा है, कई बार हमारे घरों में आकर चुपचाप दूध पी जाती है। पीती है ना दूध? बिल्ली को दूध मलाई बहुत पसंद होती है। ये घरों में घूमती रहती है और चूहा खाती है। जानते हो आप, ये चूहे को पकड़कर खा जाती है और हमारे घरों में रखवाली भी करती है। कई लोग बिल्ली पालते भी हैं। ये देखो बिल्ली। अब देखो ये है घोड़ा, गाय, ऊंट, हाथी, कुत्ता, भैंस, बकरी, बिल्ली। इन सब के बारे में आपने जाने ना, ये सब हमारे पालतू जानवर भी हैं और पृथ्वी पर रहने वाले हैं। ये उड़ नहीं सकते, ये पानी में तैर जरूर सकते हैं लेकिन ज्यादा समय तक पानी में नहीं रहते हैं। ये धरती पर ही घास खाते हैं और कुछ मांसाहारी है, कुछ उसमें शाकाहारी है। जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी होते हैं, जो घास खाते हैं
वो शाकाहारी होते हैं। किस काम आते हैं ये अब मैं आपको बताती हूँ। पहला है सवारी में काम आने वाले जानवर, घोड़ा ऊंट हाथी इनकी हम सवारी करते हैं, ये राजा महाराजाओं की सवारी के भी काम आते हैं। इसके बाद दूध देने वाले कौन कौन से जानवर हैं, दूध देने वाले जानवर गाय भैंस बकरी। और तीसरे नंबर पे घर की रखवाली करने वाले जानवर, घर की रखवाली कौन कौन करता है, कुत्ता और बिल्ली।